Hi guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Tresya, and if you guys are watching me for the first time, then please consider subscribing to my channel because I make videos related to aviation and help you in your cabin crew journey. So, अभी तक मैंने दो वीडियो डाले थे रिसेंटली. वन वॉज फॉर एयर इंडिया, अनदर वन वॉज फॉर इंडिगो, कि उनके वैकेंसीज को आप कहाँ पे चेकआउट कर सकते हो एंड देन हाउ यू आर सपोज टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर वैकेंसी. ओके, मैंने ऑलरेडी और भी वीडियो बना दिए है ऑन एयर इंडिया एक्सप्रेस, ऑन विस्तारा. अभी तो विस्तारे के लिए वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है बिकॉज मर्जर होने वाला है, वी ऑल नो अबाउट इट. सो ये सारी वीडियो मैंने अभी तक डाले क्यों नहीं है, बिकॉज देर आर नो करंट वैकेंसीज फॉर दिस पर्टिकुलर एयरलाइंस. ओके, एंड अगर वैकेंसी ही नहीं है तो मैं आपको कहाँ से दिखा पाऊँगी, ओके, एंड कैसे आप अप्लाई कर पाओगे. इसलिए अभी के लिए इन वीडियो से हम पॉज ले रहे हैं एंड जब इनकी वैकेंसीज एक्टिव हो जाएंगी मैं इमिडिएटली आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी. नाउ अभी मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आई कैन कवर अप इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑल्सो. ओके, मेजर एयरलाइन जो हायर करते हैं इंडिया में, दैट इज़ एमिरेट्स एंड कतार एयरवेज. ओके, नाउ ये दोनों अभी हायर नहीं कर रहे, करंटली एक्टिव कोई भी वैकेंसीज नहीं है. ओके, मे बी यू कैन एक्सपेक्ट वैकेंसीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बट वो भी बहुत मुश्किल है बिकॉज जब भी मैं कतार एयरवेज के इंटरव्यू के लिए गई थी वो लोग बहुत सारा क्रू हायर कर रहे थे. दैट मीन्स दे ऑलरेडी हैव सो मच ऑफ क्रू एंड दे डोंट नीड इट. मोस्टली वो लोग उस पीरियड में हायर कर रहे थे जब कतार में फीफा चल रहा था एंड दे रिक्वायर्ड मोर लेबर एट दैट टाइम. ओके, तब उस टाइम पे बहुत सारे वैकेंसीज निकल रही थी. नाउ एज दे हैव ऑलरेडी हायर सो मच ऑफ क्रू, वो इतना जल्दी क्रू हायर नहीं करेंगे. रिसेंटली ही एमिरेट्स ने भी इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए थे इंडिया में, ओके, थ्रू देयर हायरिंग पार्टनर, दैट इज़ फ्रैंकफिन. मैंने मेरा एक्सपीरियंस वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में भी आप चेक कर सकते हो. वो वाला वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन किया है आपको, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन, कौन से राउंड्स होते हैं. ओके, एंड आप ही में से बहुत लोगों ने वो देखा था कैंडिडेट्स एंड वो मुझे फीडबैक दे रहे थे कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस उनको भी पूछे गए थे एंड वो सिलेक्ट भी हो गए हैं फॉर एमिरेट्स. तो अगर आपको सच्ची में एमिरेट्स के लिए जाना है यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको एक प्रॉपर मेल कैसे लिखना है फॉर एमिरेट्स. ओके, सो आपको कुछ नहीं करना. अगर आपको कहीं पे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब वीडियो के थ्रू पता चलता है दैट एमिरेट इज़ हायरिंग इन इंडिया, सिंपली जाना है उनके करियर पेज पे एंड यू हैव टू फिल्टर में सर्च फॉर इंडिया. अगर इंडिया में हायर कर रहे हैं यू विल क्लियरली सी द वैकेंसी देयर एंड वहाँ पे लिखा आता है दैट यू हैव टू सेंड योर अपडेटेड रेज्यूमे, ओके, ऑन दैट पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस. वहाँ पे ईमेल एड्रेस होता है जो कि मोस्टली फ्रैंकफिन का ही होता है. सो आपको आपका अपडेटेड रेज्यूमे जो है प्रॉपर प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाना गाइस, सिंपल ही रखना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वर्ड्स भी सिंपल ही यूज़ करने हैं, बट मेक श्योर इट्स प्रोफेशनल. ओके, देन सेकेंड पॉइंट कि ईमेल कैसे लिखना है फॉर द जॉब एप्लीकेशन. ओके, आपने स्कूल में ट्वेल्थ में ज़रूर पढ़ा होगा दैट हाउ वी आर सपोज टू राइट द मेल फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब एप्लीकेशन. ओके, कंप्लीट ब्लॉक फॉर्मेट में लिखना होता है आपको. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होता. ओके, सो आज वीडियो में देखेंगे कि प्रॉपर मेल कैसे लिखते हैं. So without any further ado's, let's start with the video. So guys, this is a sample job application जो कि आप use कर सकते हो. ये मैंने specially आप लोगों के लिए draft किया था. But make sure कि जहाँ पे भी मैंने brackets में कुछ edit करने के लिए बोला है, personalized information डालने के लिए बोला है, there you are adding your own experience and your own education qualifications. Now ये जो आप screen पे देख रहे हो ये मेरा खुद का mail है जो मैंने उनको send किया था and next day ही मुझे उनका invitation letter भी आ गया था. मुझे तो सेकेंड डे पे ही आ गया था, लाइक जिस दिन मैंने मेल किया उन लोगों को उसके इमीजिएटली नेक्स्ट डे को मुझे उनका मेल आ गया था. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको भी उसी दिन आ जाए. ओके, सो वेट, हैव सम पेशेंस, आपको मेल ज़रूर आएगा. एंड अगर आपको मेल नहीं आ रहा, सपोज कर लो वन वीक हो गया या फिर 10 डेज 15 डेज, ओके, मेल नहीं आ रहा है, देन यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हो. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना एंड डू लेट मी नो आपके फीडबैक्स इन माई कमेंट सेक्शन. आपके फीडबैक्स क्या है,
आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, आपकी क्वेरीज सारे मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल मेक श्योर आई आंसर ईच एंड एवरीथिंग. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन बाय.